कोएक्स, कोक्स, 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 चारों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला वर्ड देखते हैं, कोएक्स, जिसका स्पेलिंग है COAX, जिसके मीनिंग से बहलाना, चापलूसी करना। एग्जांपल देखते हैं, हर्षिदा उसे अपनी ताक से बहला रही है। हर्षिदा कोएक्सिंग हिम विथ हर गेज। दूसरा वर्ड है कोक्स, जिसका मतलब होता है विभिन्न पेय पदार्थ। एग्जाम्पल देखते हैं, नयन विभिन्न पेय पदार्थ पीने का शौकीन है। नयन इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कोक्स। तीसरा वर्ड है काक्स, जिसका स्पेलिंग है COCKS, इसके मीनिंग्स है मुर्गे, बंदूक का घोड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं, उन सुंदर मुर्गों को देखो, लुक एट दोस ब्यूटिफुल काक्स। चौथा वर्ड है काक्स, जिसका स्पेलिंग है COX, जिसका मतलब होता है नाव में अधिकारी। एग्जाम्पल देखते हैं, खेने की नाव में काक्स वह व्यक्ति होता है जो खेने वाले को निर्देश देता है। इन अ रोइंग बोट काक्स इज द पर्सन हु गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द रोवर्स। कोडलिंग, कार्डलिंग, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है कोडलिंग, जिसका स्पेलिंग है CODDLING, का मीनिंग होता है लाड़ प्यार करना। एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा ने ऑफिस में अपने लाड़ प्यार करने के वाले स्वभाव से सभी को प्रभावित किया था। मीरा हैड इम्प्रेस्ड एवरीवन इन द ऑफिस विथ हर कोडलिंग नेचर। दूसरा वर्ड है कोडलिंग, जिसका स्पेलिंग है CODLING, का मतलब होता है छोटे सेब। एग्जाम्पल देखते हैं, नमन छोटे सेब खा रहा है, नमन इज ईटिंग कोडलिंग। कॉन्क, कॉन्क, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है कॉन्क, जिसका स्पेलिंग है CONCH, जिसका मीनिंग होता है शंख, सीपी। एग्जाम्पल देखते हैं, शंख एक बड़े आवरण वाली सीपदार मछली है। अ कॉन्क इज अ शेल फिश विथ अ लार्ज शेल। दूसरा वर्ड है कॉन्क, जिसका स्पेलिंग है CONK, जिसके मीनिंग से नासिका, जोर की ध्वनि, गुजर जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने जोर की ध्वनि सुनी, We heard conk. Coo, coo, cops, cops. चारों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है कू, जिसका स्पेलिंग है COO, जिसके मीनिंग है गुटरगू करना, धीमी आवाज, कूजना। एग्जाम्पल देखते हैं, नीलू ने धीमी आवाज से कहा, कितना प्यारा बच्चा है। What a cute baby, नीलू कूड। दूसरा वर्ड है कू, यहाँ पे पी साइलेंट है, जिसका स्पेलिंग है COUP, यहाँ पे पी साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कू, इसके मीनिंग से सच्चा आघात, तख्ता पलट। एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हें तख्ता पलट से भाग लेने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर हर पार्ट इन द कूप। तीसरा वर्ड है कोप्स, जिसका स्पेलिंग है COPES, जिसका मीनिंग होता है डटकर मुकाबला करना। हम उनके प्रयासों की सराहना करते हैं जिस तरह से वह समस्याओं का सामना करते हैं। वी अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स द वे ही कोप्स विथ प्रॉब्लम्स। चौथा वर्ड है कॉप्स, जिसका स्पेलिंग है COPS, जिसका मीनिंग होता है पुलिस अधिकारी। एग्जाम्पल देखते हैं, दीपक हमेशा से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहता था। दीपक ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ कॉप। क्रीक, क्रीक, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है क्रीक,
जिसका स्पेलिंग है CREAK, जिसके मीनिंग्स है तीव्र ध्वनि चरमराहट। एग्जाम्पल देखते हैं, तूफान से दरवाजा तीव्र ध्वनि करके खुल गया। द डोर क्रिक्ड ओपन बाय द स्टॉर्म। दूसरा वर्ड है क्रिक, जिसका स्पेलिंग है CREEK, जिसके मीनिंग्स है जल की धारा, छोटी नदी, नदी का। एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक छोटी नदी पर है, वह एक कठिन परिस्थिति में है। ही इज अप द क्रिक, ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन।